ये लो फाइनली मैं पहुंच गया शोरूम काफी दिन के बाद गाइस। और इधर देखो, इधर का नज़ारा देखो, और इधर हो रही है भाई मॉर्निंग। और मॉर्निंग टाइम में भाई देखो ट्रैक्टर भी आ गए हैं आज, और आज नहीं आज के पहले ही आए हैं। हमको लगता है कि जिस दिन हम कार की डिलीवरी लेने गए थे उसी दिन ट्रैक्टर आए हैं, बट मैं उस दिन लखनऊ गया हुआ था जिसकी। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज की न्यू वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई कुबोटा के शोरूम पे, जहाँ पे गाइज मैं काफ़ी दिन से नहीं गया हुआ हूँ। और कैसा है मेरा ये भाई ग्लासेस कैसे हैं मेरे बताओ आप कमेंट करके। बाकी गाइज अभी निकलते हैं शोरूम के लिए, और काफ़ी दिन हो गया था मैं गया नहीं, तो मैं सोचा कि चलते हैं शोरूम भी घुमाते हैं, और थोड़ा काम भी है, और वहाँ से भाई देखेंगे क्या क्या। और ट्रैक्टर भी आए हुए हैं नए नए, तो आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। जिन भाइयों को इधर नवरात्र के लिए बुकिंग करवानी हो या ट्रैक्टर लेना हो तो भाई वो विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि नए नए आ गए हैं, नया स्टॉक आ गया है ट्रैक्टर का, और जिसमें 5502 और 4501 और फिर छोटा वाला भी आ गया गाइस। तो अभी बिना देरी किए हुए मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ शोरूम पे, और पहुँच के वहाँ पहुँच के सारी बातें करते हैं गाइस। ये लो फाइनली मैं पहुँच गया शोरूम काफ़ी दिन के बाद गाइस। और इधर देखो, इधर का नज़ारा देखो, और इधर हो रही है भाई मॉर्निंग। और मॉर्निंग टाइम में भाई देखो ट्रैक्टर भी आ गए हैं आज, और आज नहीं आज के पहले ही आए हैं। हमको लगता है कि जिस दिन हम कार की डिलीवरी लेने गए थे उसी दिन ट्रैक्टर आए हैं, बट मैं उस दिन लखनऊ गया हुआ था जिसकी वजह से गाइस मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी आज देख लो गाइस कौन कौन सा मॉडल आया है। ये भाई ये मॉडल है 21 HP का। हमको लग रहा है गाइस कि ये पुराना वाला ही है ये, और ये बुक है ऑलरेडी, आपको पता ही है मैंने बताया था। और ये जो पितृपक्ष चल रहा है तो इसी के बाद ही शायद इसको कस्टमर लेके जाए। बाकी इधर देखो 5501 आया है, ये रहा गाइस 5502। अब इसमें देख लूं मैं, इसका टायर जो है ये 750 का है। तो गाइस 750 के टायर में ये आया है, और एक जो पीछे आया है ये है 650 का टायर, बट ये लंबा वाला टायर है 650-20 इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, बाकी चीज़ें वही हैं दोनों ट्रैक्टर की ही। और इधर तो भाई एक और है, हमको लगता है कि गाइस 5 ट्रैक्टर आए हैं यहाँ पे टोटल मिला के, जिसमें से 45 ऑलरेडी थे यहाँ पे, और हमको लगता है यही 5 ट्रैक्टर जो यहाँ पे खड़े हैं, ये 5502 है, ये भी 5502 है, और ये भी लंबे टायर में है, ये चौड़े और छोटे टायर में, दोनों का डिफरेंस यहीं से देख लो गाइस कौन सा वाला है। बाकी पीछे तो सब सेम ही रहता है 16 का टायर। और इधर है भाई 4501, हमको लगता है ये भी आया गाइस, मतलब कुल मिला के 5 ट्रैक्टर आए हैं यहाँ पे। और पहले से भी कुछ ट्रैक्टर थे शोरूम पे, बट यहाँ नहीं, हमको लगता और ब्रांच पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक्टर थे वो सोल्ड हो गए, और वो सेल हो गए तो गाइस खाली ही था शोरूम। हमको लगता है ये छोटा वाला ही ट्रैक्टर था, या फिर अगर रहे होंगे तो साइड वाले एरिया में रहे होंगे। बाकी हम भी आ गए हैं शोरूम पे, और अभी तो भाई ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, कुछ लोग आए हैं शोरूम पे, तो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। सो गाइस न्यू स्टॉक आ गया है, और जो भी विजिट करना चाहे शोरूम विजिट कर सकता है और ले जा सकता है यहाँ से। तो मैं कहा कि आज आपको थोड़ा शोरूम घुमा दें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं शोरूम आया नहीं था, और आज भाई काम लगा तो आना ही पड़ा। बहुत दिन हो गया, मुझे लगता है कि 1-2 महीने हो गए हैं, और इतने दिन बाद मैं शोरूम पे आ रहा हूँ गाइस। बाकी और आप लोग ये भी बताओ कि कार की डिलीवरी वाली वीडियो कैसी लगी, तो आप लोग बताओ गाइस कि कैसा लगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैं तो अच्छा ही वीडियो शूट किया, और हम तो भाई बहुत खुश हैं। और बहुत लोग होते हैं गाइस जलते हैं किसी की खुशी देख के, बट यार अपनी जो फैमिली है, कि जो अपनी YouTube फैमिली है, सब लोग बहुत सपोर्टिव हो गाइस, और आप लोग भाई बहुत सपोर्ट और प्यार दिखाते हो। मैं अंदर जलूँ ऑफिस में, पहले मैं इसकी लाइट ऑन कर दूँ गाइस।
फिर मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगा। ये लो हो गया। अभी हमको लगता है गाइस सिर्फ पंडित जी और चौधरी जी आए हैं, बाकी के लोग पता नहीं कहाँ पे हैं। तो भाई बात ये करनी है कि भाई जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत लोग जलते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं क्यों बेवजह का इरिटेशन होता है, जलन होती है और किसी की तरक्की देखी नहीं जाती है। बट भाई मैं तो यार कोई भी आगे बढ़े ग्रो करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो नॉम है। और आप लोग भी भाई, आप लोग के घर भी भगवान करे कि आप लोग के घर खुशियाँ आए और आप लोग भी ग्रो करो भाई, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लाओ अपने घर और अपने शौक पूरे करो ज़बरदस्त। बाकी अब भाई एक दिन सोच रहा हूँ मैं कि रिव्यू की वीडियो बना दूँ उसके गाड़ी की, और मैं आपको बता दूँ कि वो सेकेंड टॉप है, क्रेटा का सेकेंड टॉप वर्जन है जो कि डीजल वाला है। अब आप लोग बताओ कि कैसा है, क्योंकि डीजल वाला एवरेज भी अच्छा देता है, फिर क्रेटा गाड़ी जो है वो कंफर्टेबल भी है। मैंने किया भी देखा था, किया सेल्टॉस, जो कि आपको पता है दोनों का इंजन सेम ही है, किया सेल्टॉस का और क्रेटा का, दोनों ही कोरियन कंपनी है। बट यार जो लास्ट में पसंद आया वो था क्रेटा, क्योंकि कंफर्टेबल कुछ ज़्यादा, स्पेस भी ज़्यादा और मतलब अच्छा लगा, तो कंफर्ट के हिसाब से ही लिया गया। बाकी जैसे कि अपना कुबोटा ट्रैक्टर है, ये बहुत कंफर्टेबल लगता है चलाने में, इसलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसे, और बाकी इसका एवरेज भी अच्छा है। तो ऐसे ही हम लोग का भी भाई यही थिंकिंग थी, तो उसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी ली गई गाड़ी की। काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं वीडियो लगभग आप लोग को 5-6 महीने पहले ही बताया था कि बुकिंग वगैरह स्टार्ट करने का इसका, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया गाइस। बट कोई ना, टाइम इसलिए लगा क्योंकि भाई अच्छी चीज़ आनी थी और अच्छी चीज़ लाने के लिए टाइम लग जाता है। तो यही सब रहा कुल मिला जुला के भाई पूरी स्टोरी। और बाकी मैं सोच रहा हूँ एक दिन कि उसका रिव्यू करूँ बढ़िया सा ज़बरदस्त वाला, जैसे कार का रिव्यू होता है, और उसमें दिखाऊँ आप लोगों को कि क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या नहीं है, प्रॉपर तरीके से गाइस। बाकी आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट कर देना। और अभी देखते हैं यहाँ का भाई, थोड़ा अभी ओपनिंग का टाइम हो रहा है शोरूम का, और देख लें थोड़ा ओपन वगैरह करवा दें। ये देखो नाश्ता आ गया हम लोग का, और अभी मैं खा रहा हूँ चने भाई नेचुरल डाइट है प्योर। और इधर अपना भाई आस्तोस भाई ना बोला होता तो मैं पास्ता खाने वाला था। हाँ भाई, लेकिन मैं हेल्दी डाइट। अब भाई की मैं ये सोच रहा हूँ कि घटा दूँ, ये जो निकल रहा है 4-5 इंच बाहर जा रहा है जो उसको क्या करना है, अंदर ले जाना उसको, अंदर ले जाने के लिए। मैं कहा भाई ये तुम डाइट फॉलो करो, देख लो गाइस आप लोग भी ऐसे हेल्दी हेल्दी डाइट खाया करो, ठीक है, ट्राई करो कि हेल्दी खाओ। और अभी मैं निकलूँगा यहाँ से घर थोड़ी देर बाद शोरूम से, क्योंकि अब हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं, टाइम 4 का हो रहा है। उसके बाद घर जाके भाई थोड़ा काम धाम करना है, उसके बाद हम निकलेंगे जिम के लिए, पूरा शेड्यूल पता है। तो भाई अब सीधे घर पहुँच के ही करते हैं ब्लॉग को ऑन। गाइस फाइनली आपका भाई शोरूम से आ गया घर, और कैसा लगा आज का ब्लॉग, कैसा क्या हुआ, चीज़ें अच्छी लगी बताओ आप लोग फटाक से कमेंट में जाओ। बाकी यार शॉर्ट वीडियो पे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, ये काम कर दो। बाकी आज का ब्लॉग, आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।